आप इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के निरसा चिरकुंडा पंचायत में संक्रमित पाए जाने के बाद सिलकिया क्षेत्र चिरकुंडा थाना अंतर्गत चांच कोलियरी बाबू डंगाल में फिर एक बार दस्तक दिया। कोरोना पॉजिटिव ताल डंगाल एसबीआई शाखा के कर्मचारी निकले। डूमरकुंडा दक्षिण पंचायत के मुखिया अजय पासवान ने बताया, लगभग 300 मीटर के दायरे को सील किया जा रहा है। संक्रमित व्यक्ति को आज कोविड-19 हॉस्पिटल धनबाद ले जाया जाएगा। पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं मुखिया ने पंचायत वासियों से निवेदन किया है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक काम से बाहर ना निकलें। निरसा संवाददाता मलय गोप की रिपोर्ट। समीर बनर्जी नाम का हमारे पंचायत का ही है, जो कि एसबीआई कुमारडुबी ब्रांच में कार्यरत है। उनको पॉजिटिव पाया गया, कल सूचना मिला। समीर जी कहाँ है? अभी भी संक्रमित अपने घर में ही है। वीडियो साहब से बात हुई है, आज कोविड-19 का एम्बुलेंस आएगा, उसमें ले जाया जाएगा उनको। कितना एरिया को सील किया गया है? कितने घरों को? तीन घर को सील किया गया है। 300 मीटर, लगभग 300 मीटर। आप अपना माध्यम से पंचायत वासियों को फिलहाल क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सूचना देना चाह रहे हैं? सूचना यही दे रहे हैं कि हम लोग का पंचायत में दस्तक दे दी है कोरोना, सतर्क रहें, अपना घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही कहना। अनावश्यक रूप से ना निकले। हाँ, अनावश्यक बिना जरूरी काम के बाहर ना आए। निकले तो मास्क पहन के सैनिटाइज अपना सब पंचायत में कराया जाएगा। सील होने के बाद अब सैनिटाइजर का भी कुछ? हाँ, सैनिटाइजर की व्यवस्था हम लोग के पास है, हम लोग करवा रहे हैं।